Hello. In this video lecture, we are going to see other transport layer protocols. So basically, इसमें हम दो protocols को study करेंगे, जिसमें सबसे पहला है application control transport protocol, जिसको हम बोलते हैं ACTP. सबसे बड़ा advantage है, ये lightweight होता है. It provides feedback to the application regarding the status of the connection, and it supports the priority of packets to be sent. अब ACTP जो है आपका, ये काम कैसे करता है? In this, the application layer uses APIs, application programmable interfaces, to connect with the ACTP layer. So to connect with the ACTP layer. तो होता है क्या बेसिकली? There is an API which is used to connect with the application layer. सो अगर हमारा कुछ इस तरह से है प्रोटोकॉल एंड वी हैव एन एप्लीकेशन लेयर एंड इन बिटवीन वी हैव एन ACTP लेयर, तो यहाँ पे नीचे है नेटवर्क लेयर, हेयर वी हैव एन एप्लीकेशन लेयर एंड समवेयर इन बिटवीन वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज ACTP लेयर. अब यहाँ पे जितना भी कम्युनिकेशन होगा यहाँ से यहाँ पे एंड यहाँ से यहाँ पे, इट हैपन्स विद द हेल्प ऑफ सर्टेन APIs विच इज़ एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस. ठीक है, सो दैट इज़ हाउ द ACTP लेयर वर्क्स विद द हेल्प ऑफ APIs. अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. फर्स्ट एडवांटेज इज इट प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ चूजिंग द रिक्वायर्ड रिलायबिलिटी लेवल. अब आपको कितना रिलायबल लेवल चाहिए, कितना रिलायबिलिटी का लेवल चाहिए, वो आप चूज़ कर सकते हो. सेकंड इज़ स्केलेबल फॉर लार्ज नेटवर्क एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ थ्रूपुट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय पाथ ब्रेक्स. पाथ ब्रेक्स चाहे कितने भी हों, उससे जो थ्रूपुट है वो इफेक्ट नहीं होता है. ठीक है, सो दिस इज द एडवांटेजेस. डिसएडवांटेज, नॉट कंपेटिबल विद द TCP, एग्जिस्टिंग TCP के कंपेटिबिलिटी में नहीं है. लार्ज नेटवर्क्स के अंदर ये कंजेशन को कॉज कर सकता है. सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. द सेकेंड इज एडॉक ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जिसको हम बोलते हैं ATP. नाउ इट हैज़ एन कोऑर्डिनेशन अमंग मल्टीपल लेयर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, इसलिए इसमें हम क्या कहते हैं, इट रिलाइज ऑन द यूज ऑफ क्रॉस लेयर इंफॉर्मेशन शेयरिंग. सो इट रिलाइज on the use of cross layer information sharing. मतलब कि जितनी भी layers हैं उनमें आपस में information sharing के ऊपर ये rely करता है. ठीक है, so होता क्या basically कि जो lower level की layers हैं या जो lower layers हैं, they provide information to the transport layer. So there is one concept of information sharing. And also there is a concept of explicit feedback mechanism. कि अगर कोई path break हुआ या कुछ भी हुआ तो एक explicit feedback का mechanism भी इसके अंदर होता है. So the coordination among the multiple layers, it is and rate based transmission, which is carried out with the use of timers. So timers को utilize किया जाता है इसमें. ये इंपॉर्टेंट है कि जो कंजेशन कंट्रोल है और रिलायबिलिटी है उनको अलग अलग कर दिया गया, डीकपल कर दिया गया, एंड इट इज़ आल्सो असिस्टिंग द कंजेशन कंट्रोल. नाउ इट यूजेस दीज थ्री इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैक एंड लोअर लेयर्स. सो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है? सबसे पहला काम तो वो यूज़ करता है फॉर एस्टिमेशन ऑफ इनिशियल ट्रांसमिशन रेट. बेसिकली लोअर लेयर्स की जो मैं कह रहा था कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेता है, उससे ये इन तीन चीज़ों को एस्टिमेट कर लेता है, फाइंड आउट कर लेता है. सो द एस्टिमेट ऑफ इनिशियल ट्रांसमिशन रेट, कितना इनिशियल ट्रांसमिशन रेट होना चाहिए उसको एस्टिमेट करना. सेकेंड इज डिटेक्शन अवॉइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ कंजेशन. डिटेक्ट करना, अगर हो सके तो अवॉइड करना, और अगर कंजेशन हो रहा है तो उसे कंट्रोल करना. सो डिटेक्शन अवॉइडेंस एंड कंट्रोल द कंजेशन. एंड द थर्ड थिंग इज डिटेक्शन ऑफ पाथ ब्रेक्स.
सो लोअर लेवल लोअर लेयर्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करके इन तीनों चीज़ों को फाइंड आउट किया जाता है. नाउ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सबसे बड़ा एडवांटेज तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड डिकम्पलिंग ऑफ कंजेशन कंट्रोल. एंड द डिसएडवांटेजेस लैक ऑफ इंटर ऑपरेबिलिटी विद टीसीपी. मतलब जो टीसीपी है आपका उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.